इलेक्ट्रिक बस सेवा को पंजाब गवर्नर और चंडीगढ़ प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित द्वारा हरी झंडी दिखा शुरू हुए अभी चंद घंटे भी नहीं हुए थे कि सड़क पर फराटा भरने वाली बस हिचकोले खाते हुए सेक्टर 17 बस स्टैंड के सामने खड़ी हो गई। देखते ही देखते सड़क पर वाहनों का ज्यादा दबाव होने के चलते बस स्टैंड चौक के पास जाम की स्थिति बनने लगी, जिसके बाद बस को मुख्य सड़क से हटाकर साइड ले जाने के लिए मौके पर ट्रैफिक पुलिस की टोइंग वैन को बुलाना पड़ा, लेकिन बस को टोइंग वैन टस से मस नहीं कर पाई। ट्रैफिक पुलिस सूत्रों के मुताबिक बस का वजन ज्यादा होने के चलते मौके पर बुलाई गई ट्रैफिक पुलिस की टोइंग वैन बस को उठा नहीं सकी। इसके बाद किसी तरह बस को वहीं सड़क पर किनारे लगाकर मौके पर मैकेनिक को बुलाया गया। जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से शनिवार को सेक्टर 17 बस स्टैंड से इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया गया था। इन बसों को हरी झंडी दिखाने के लिए खुद पंजाब गवर्नर एवं चंडीगढ़ प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित पहुंचे थे। प्रशासक हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना कर निकले ही थे कि शुभारंभ स्थल पर मौजूद एक बस सेक्टर 17 बस स्टैंड के बाहर ही खराब होकर बंद पड़ गई, जिसके बाद बस को मुख्य सड़क से हटाकर साइड ले जाने के लिए मौके पर ट्रैफिक पुलिस की टोइंग वैन तक बुलाई गई। वहीं बस के ड्राइवर और कंडक्टर बस में आई खराबी को लेकर पूछे गए सवालों से बचते हुए नजर आए। अब बस में क्या खराबी आई थी, किस कारण से ये बंद होकर पहले ही दिन सड़क पर खड़ी हो गई, इस बारे में कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट।